आराम से, आराम से ले जाइए। मैं कहाँ? आराम से। आप? आराम से। आप रास्ते पर गिर गए थे इसलिए हम घर ले आए। प्लीज आप ले जाइए। ये लीजिए पानी। एक बात पूछूं आपसे, आप अकेले उस रास्ते पर कहां जा रही थी? और आपके हाथ में एक बैग भी था। आप ठीक तो हो ना? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप अभी आराम कर लीजिए, हम कल सुबह बात करते हैं। लाओ, तुम देखो। क्या बात है रश्मि, क्या सोच रही हो? काजल जी के बारे में सोच रहे थे। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। उनके जो चेहरे के दाग है ना, वो उस बात को साफ जाहिर करता है। अब तो वही बता सकती है कि उनके साथ क्या हुआ है। मेरी बात हुई थी आज उनसे, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? बात कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भले ही ये हाथ ना छोड़ो, लेकिन पिताजी जरूर छुड़वा देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि पिताजी मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। लेकिन यूं अचानक? पिताजी कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई जरूरत नहीं है। जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता, मैं कैसे तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगू? तो फिर तुम कोई नौकरी क्यों कर नहीं लेते? नौकरी मेरी जिंदगी नहीं है यार। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ जिसमें ढेर सारा पैसा है, एक ऐसो आराम की जिंदगी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तुम्हें हर वक्त खुश रख सकूं। तो फिर तुम पैसे कमाओ, मैं तो चली। काजल? हाँ माँ। मैं दो दिन से देख रही हूँ, तू घर बहुत देर से आ रही है। कॉलेज में काम ज्यादा हो गया है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक ट्यूशन पढ़ाने का काम पकड़ लिया है। चलो, एक गुण तो है अभी भी तुम में, जो तुमने अभी तक झूठ बोलना सिखा नहीं। वरना तुमने तो अपने पापा के नाक कटवाने में कोई कसर नहीं रखी है। क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आज तुम्हारे पापा को कोई एडवांस दे रहा था, मगर उन्होंने नहीं लिया। अरे ले लेना चाहिए था ना, मैं वैसे भी ये पैसे पापा को ही देने वाली थी, ताकि मेरे खाने का खर्च निकल सके। कैसी बात कर रही हो, और किसने दिलाई तुझे ये नौकरी? रिया ने, उसने बताया था कि उसके घर के सामने किसी बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा, आने दे रिया को, खुद की शादी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सहेली की शादी हो रही है, वो तुझे काम दिला रही है। अरे मैंने उसे तुझे समझाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, वो तुझे समझाने के बजाय तुझे बहला रही है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ माँ, मुझे अपना भला बुरा समझ में आता है। और आप भी पापा को समझाइए, मुझे अपना स्कॉलरशिप मिल गया है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी नौकरी भी ढूंढ ली है, नौकरी कर भी रही हूँ मैं, इसलिए मैं आप दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती।
बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं होते हैं बेटा। बोझ नहीं होता है बेटा, बेटी तो बोझ होती है। बेटी तो पराया धन होती है जिसकी हिफाजत आप लोग कर रहे हैं। क्या मतलब है तेरा, शादी नहीं करनी है उससे? हाँ नहीं करनी शादी। और वो क्यों नहीं? मुझे वो पसंद नहीं है बस। इसका मतलब हमारा पसंद गलत था क्या? हम पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैंने ऐसा कब बोला पिताजी, आप ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। तूने कहा नहीं, लेकिन तेरा मतलब तो यही था। नहीं बिल्कुल नहीं। देख मैं तुझे अच्छी तरह समझा रहा हूँ, नहीं तो? नहीं तो? नहीं तो क्या पिताजी? इससे पहले आप कुछ कर दे मैं खुद को कुछ कर लूंगी, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। तू क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। माँ, माँ क्या हुआ, तू आज काम पर नहीं गया? छोड़ दी मैंने नौकरी। छोड़ दी मतलब? अरे वो मेरे लायक नहीं थी। तो क्या करेगा तू? मैं कुछ भी करूंगा ना, लेकिन आपके जैसा नहीं बनूंगा। शुक्र मना कि मेरे जीते जी तुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। अगर मैं मर गया पानी की 1 बूंद के लिए तरसेगा तू? हाँ तो एहसान नहीं किया है, ये हर माँ बाप का फर्ज होता है। हाँ होता है, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता? बनता है, और जब वक्त आएगा ना वो मैं निभाऊंगा भी। क्या वो वक्त मेरे रहते आएगा? इतनी अच्छी खासी नौकरी लगाई थी, बस उसे छोड़ा है। हाँ ये बहुत बढ़िया है पिताजी, आपने तो मुझे कलेक्टर की नौकरी दिलाई थी ना वहाँ पे। क्या तू उस लायक है? मुझे ना आपके साथ बहस नहीं कर ली। पंकज, अगर ऐसा ही रहा तो तुझे अपना इंतजाम खुद करना होगा। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। अरे यार ये रोज का है तुम्हारा, मुझे जल्दी बुलाते हो और खुद देर से आते हो। हो गया अभी बस भी कीजिए। चलो। वैसे आपके लिए मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अब ये मत बोलना कि पहले कौन सी सुनो। अरे वाह आजकल तो आप बहुत समझदार हो गए हैं, संगत का असर लगता है। खबर सुनाओ। खबर तो 2 है, एक अच्छी और एक बुरी, पहले कौन सा? तुम खबर सुनाओ, अच्छी या बुरी वो मैं डिसाइड करूंगा। अच्छी खबर ये है कि हमारी शादी होगी। ये अच्छी खबर है? क्या? मजाक कर रहा था। बोलो। और बुरी खबर ये है कि शादी के लिए आपको पापा से मिलना होगा। हाँ तो ये कौन सी बुरी खबर है? मिल पाएंगे आप? अरे क्यों नहीं, हिम्मत है इतनी। अरे यार
तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ऐसे मिलूंगा तुम्हारे पापा से कि उनके भी चक्के छुड़ा दूंगा, देख लेना तुम। ओके, आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। चलो। देखो बेटा, पहले के समय में तो रिश्ते माँ बाप ही ठीक किया करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए तुम्हारे माँ पिताजी से मिलके हम आगे की बातें को तय करेंगे। क्या मतलब है लड़की ढूंढ ली? माँ, बताया तो था आपको पहले। पर वो है कौन? वो छोरो, बाप कौन है और कितना पैसा देगा? तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ दिखता भी है? अरे बेटा है, क्या ऐसे ही दे दूं? हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा बड़ा वकील है ना? नहीं है तो क्या, बगल गांव के गोपाल जी 1,00,000 देने को तैयार है। तुमसे तो बात करना मतलब बेवकूफी है। तो मत करो ना, और चुपचाप बैठे रहो। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं तो क्या करूं? छोड़ो ना माँ, लड़की मैंने ढूंढ ली, आप बस शादी की तैयारी करो। हे भगवान। क्या हुआ जी, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? मैं ये सोच रहा था कि हमारी बेटी ने जो अपने लिए लड़का पसंद किया होगा गलत होगा। नहीं जी, लड़का तो सर्वगुण संपन्न है। हाँ, लड़का तो मुझे भी अच्छा लगा। आज के युग में जब कोई इंसान अपना जीवन साथी खुद चुनता है, हम उनके पसंद को जानने के बजाय उन्हें डांटते हैं, हमारे पसंद उनके ऊपर थोपते हैं। लेकिन ये गलत है। हाँ, लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की भावना को समझे, उसका सम्मान करे। लेकिन हम भी सही ही चुनते। हाँ, लेकिन सभी इंसान सही जीवन साथी बने ये जरूरी नहीं। वही, आज अगर काजल ने भी कुछ गलत कदम उठा लिया होता हमारे मना करने पर, तो हम किसके सहारे रहते? ईश्वर सब ठीक ही करता है। सुनो, लड़की वालों से मिलने जा रहे हो, जरा तन के जाना। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भगवान, मैं ऐसे जाऊंगा कि लड़की वालों को लगे वाह क्या समझी आया है। बस बस। हाँ सुनो, लेन देन के बाद ठीक से करके आना। लेन देन? क्या चीज का लेन देन? हे भगवान, पैसे, दहेज के लेन देन? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैंने इस घर में कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? तो क्या बिना दहेज के लाओगे बहू? और नहीं तो क्या। अरे भाई, घर में लक्ष्मी आ रही है, खुशियाँ मनाओ। पता नहीं किस मिट्टी से बनी हो। तो हो गया बस, अब मैं जाऊँ, देर हो रही है मुझे। ठीक है जाओ। अरे रुक क्यों गई, आगे का बताओ ना। जैसे तैसे शादी तो हो गई और शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे अरे मेरी अच्छी बच्ची, भाभी के आने के बाद भी तू ही नाश्ता बना रही है? भाभी तो कल ही आई है माँ, और मैं तो हमेशा बनाती हूँ। लेकिन ये सब काम तुम्हें अपने ससुराल में करना पड़ेगा। मायका हो या ससुराल, घर तो घर होता है, और भाभी के हाथों की मेहंदी अभी भी चमक रही है, तो उन हाथों को काम पे लगाना हमें शोभा देगा क्या? तू बहुत ही सीधी सादी है। ठीक है, जो जी में आए कर, तू जितनी सीधी है ना उतनी जिद्दी भी है तू। Thank you.
पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे भाई, ये माँ बेटी में क्या खुसुर फुसुर चल रही है, मैं भी तो सुनूं। भाभी की बात चल रही है बाबूजी, और कल जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी कि आपका ख्याल कौन रखेगा। हाँ, मास्टर जी ने जो रास्ते का बोझ हमारे कंधों पे ला दी ना, इसीलिए वो गोपाल जी ने तो डबल दे रखी थी। और ये तुम्हारी बाबूजी है ना, एक बात पर अगर अटक गए वही अटकते रहे। नाचा ने मेरे बेटे पर क्या काला जादू कर दी। हाँ, तुम्हारा बेटा तो कहीं का बैरिस्टर है ना, जो तुम इतना दुखी हो रही हो। भगवान बेटियां लक्ष्मी होती है, और यही बेटियां जब किसी की घर की बहू बनती है तो उस घर की बरकत होती है। लक्ष्मी को लक्ष्मी से नहीं तोला करते। हाँ, जब अपनी बेटी की शादी होगी तब मैं पूछूंगी अपनी लक्ष्मी को किस से तोलेंगे। जा बेटी, तू कॉलेज के लिए तैयार हो जा, मैं संभालती हूँ। और हाँ माँ, सब कुछ तैयार है, भैया भाभी उठ जाए तो उन्हें भी नाश्ता दे देना। मैं चलती हूँ बाबूजी, आज कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट क्लास। लेकिन है। नाश्ता तो करती जा। नाश्ता मैंने ले लिया है और मैं कॉलेज में कर लूंगी। पक्का कर हाँ, लेगी हाँ, ना? बाबूजी कर लूंगी। बड़े है ये भाभी के साथ देने वाला, कोई मेरे पास चमचे ठप ना। आप इतने थके हुए लग रहे, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार, आज दुकान में बहुत काम था। एक कप चाय बना दो प्लीज। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। क्या हुआ? ये पल्लवी कौन है? दोस्त है। देखो पंकज, सच सच बताना, दोस्त है या कोई और? मैंने कहा ना, दोस्त है। तू बस चाय बना दो, ठीक है? चाय बना दो जल्दी। बेटी अभी आई नहीं और इन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब तो लगता है इन लोगों का ऐसे आना जाना चलता रहेगा और हमें भी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारी ये जो आवाज है ना, पूरे मोहल्ले को सुनाई देती है। और नमस्ते समधी जी। नमस्कार नमस्कार, आइए ना, बैठिए बैठिए। और बाकी सब ठीक ठाक? जी सब ठीक ठाक ही है, बस बेटी के बिना जरा घर सुना सुना लग रहा था, इसीलिए सोचा उसे एक बार मिलके चलो। अरे ये कुछ मिठाइयां लाया था। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, आपने पहले ही अपनी बहुत कीमती चीज हमें दे रखी है। हाँ, मेरा मतलब है आपकी बेटी हमारे घर ब्याह कर। फिर भी ये तो इनका प्यार है, लगता है शादी के समय कुछ बाकी रह गया होगा। आप संधि और संधन का रिश्ता भी बहुत मजा किया है। अरे भगवान, संधि जी आए हैं, कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। अरे संधि जी नहीं,
बेटी का घर खाना खाके मुझे पाप का भागीदार थोड़ी ना बनना है। मैं तो बस उससे मिलकर चला जाऊंगा। अरे ये क्या? हाँ, हम भी आपका धर्म भस्म नहीं करेंगे। काजल बेटी, देखो तो कौन आया है। कैसी हो बेटी? अरे तुम रो क्यों रहे हो? अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारे पिताजी को लगेगा कि तुम ससुराल में तकलीफ में हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा को बहुत दिनों के बाद देखा ना, इसलिए आग भर आए। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटी, ऐसा भूल कभी ना करना। शादी के बाद बिटिया की घर की पानी पीना भी बाप के लिए पाप की बराबर होते है। हाँ बेटा, जाओ अपना काम करो, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। तुम्हें देख के मैं खुश हो गया। ससुराल में अपना काम अच्छे से करना, परिवार के लोगों का ध्यान रखना। समधी जी, अब मैं चलता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप अपने बेटी के हाथों का बना हुआ खाना जरूर खाकर जाइए। हाँ हाँ, अरे आप भी समधी जी, 21वीं सदियों में रह के किस तरह की बातें करते हैं। 21वीं सदी हुआ तो क्या हुआ समधी जी, सदियों से परंपरा चलती आ रही है। शादी के बाद पिता अपने बेटी का घर पानी तक नहीं पीता। कम से कम मुझे अपना परंपरा तो निभाने दीजिए। मैं तो बस अपनी बेटी को मिलने आया था, उसे खुश देख के तो मेरा पेट वैसे ही भर गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, आइएगा जरूर। जी जरूर। नमस्ते। नमस्ते पापा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नहीं बेटी, तुम इधर ही रुको। बहू, तुम्हारे पिताजी ने खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? हमें तो भूख लगी है ना। हाँ माँ जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अगर यही जुबान अपने बेटे की शादी के वक्त चलता तो बहुत काम आते, लेकिन उस समय तो आपको सांप सूंघ गया था। हद करती हो तुम।